हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th हिस्ट्री सेट 1। आज से जो हम लोग लगभग 10 सेट बताएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो आज हिस्ट्री का सेट 1 है। अगर आप लोग 10ों सेट को अच्छा से देख लीजिएगा 90+ मार्क्स आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे करके कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो निम्न में से किसने किया था मोहनजोदड़ो की उत्खनन? राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। किसका? लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की जो है लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईस्वी पूरा ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयीन। कौन था? उदयीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा राक्षस किनकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किनकी रचना थी? किनकी रचना थी? विशाखा दत्त की। किसकी? विशाखा दत्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, समुद्रगुप्त की जो है तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? किससे की जाती है? नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम सहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए क्या है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर जो है उसकी स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सोन और गंगा, सोन और पुनपुन नदी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या,
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? चार। कितने हैं? चार। चलिए नेक्स्ट। कुछ मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सभी की पत्नी थी। सभी का। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग यह एक सेट कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही लगभग 10 सेट होगा। आप लोग सभी को देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।